अगली सेशन को चेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर महेश सिंह को और डॉक्टर राजीव मंडल को। डॉक्टर महेश सिंह जाने माने प्रिंट मेकर हैं और बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं, लंबा अनुभव है इनका एकेडमिक में। और डॉक्टर राजीव मंडल जो हैं वो बहुत ही इनोवेटिव माइंड इनका है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और बहुत वास्ट इनको एक्सपीरियंस है आर्टिस्ट्री के। ये यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जो फाइन आर्ट की जो भी फील्ड है विजुअल आर्ट एंड डिज़ाइन के, इनकम्पासिंग टेक्सटाइल, स्कल्पचर्स, पॉटरी, सिरामिक्स, पेंटिंग, ग्राफिक्स, सबको समेटते हुए इनका ओवरव्यू रहता है। तो मैं जॉइंटली आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर महेश सिंह को और डॉक्टर राजीव मंडल को टू सेशन द चेयर। और इस जो पांचवा सेशन है इसमें जो प्रतिभागी हैं उनमें अक्षरा नाथ हैं जो वाराणसी से ही हैं, आकांक्षा विश्वकर्मा है, अदिति रमन है और आशिता गुप्ता है। तो चार जो शोधार्थी हैं उनके प्रेजेंटेशन को चेयर करने के लिए पुनः आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर राजीव मंडल। Thank you, sir. Thank you very much. I will begin this session with Akshara Nath. She is a research scholar from Varanasi, I guess. So let's start with her presentation. But all the presentees here who is going to present their presentation paper, whatever, please keep it in mind. Just make it shorter, as much as possible. थैंक यू। धन्यवाद सर। आदरणीय गुरुजनों को और सभी सहपाठियों को मैं सादर नमन करती हूँ। मेरा विषय है काशी के परंपरागत वस्त्र पर सुलेखन का महत्व। जैसा कि माना जाता है प्राचीन काल से जब पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तब उसका सही परिदृश्य कैसा रहा होगा उसकी कल्पना मात्र तार्किक एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा सकती है। मानव को जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सी बातों का बोध हुआ, जैसे भोजन पकाना, शिकार करना, वस्त्र पहनना इत्यादि। मनुष्य जाति का जब और विकास हुआ तब उसे आपस में वार्तालाप एवं एक दूसरे को समझने में माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई होगी, जिसके लिए वे लोग गुफाओं में प्रतीकों द्वारा चित्रण करना प्रारंभ किए। तत्पश्चात अक्षरों तथा शब्दों की उत्पत्ति लिपि स्वरूप हुई। मनुष्य को भाषा का अवबोध होने लगा था, उसने लिखने की कला सीखी होगी। लिखावट के बाद उसे सौंदर्यपूर्ण लेखन आकर्षित किया होगा, जहाँ से सुलेखन कला समाज में प्रचलित हुई होगी एवं प्रसारित हुई होगी। माना जाता है कि सुलेखन कला की शुरुआत चीन की शैंग शैली से हुई थी तथा हान शैली तक आते आते यह अत्यधिक प्रचलन में आ गई थी। सुलेखन कला उस अवधि में चीन के साथ साथ जापान, यूरोप, भारत, तिब्बत आदि देशों में भी प्रचलित हुई। यद्यपि यह भी माना जाता है कि सर्वप्रथम लिपि का जन्म मेसोपोटामिया, जो कि आज के इराक में सुमेरिया में है, में हुआ होगा। लगभग 3500 ईस्वी पूर्व में सुमेरियन में किश नामक एक शहर के मंदिरों की दीवारों पर रेखाओं द्वारा चित्रण प्राप्त हुआ है, जिसे वहां की प्रारंभिक चिन्हात्मक लिपि माना गया है। कैलीग्राफिक शब्द का इतिहास बताना, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। बेशक लेखन का प्रारंभ हजारों वर्षों पूर्व ही हो गया था, परंतु कैलीग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनान में 1610 ईस्वी में हुई थी। कैलीग्राफी शब्द दो यूनानी शब्द कैलोस तथा ग्रेफाइंस से मिलकर बना शब्द है। कैलोस का अर्थ होता है सुंदर तथा ग्रेफाइन का अर्थ है लेखन, जिसका शाब्दिक अर्थ हम सुंदर लेखन कह सकते हैं। काशी के वस्त्र शिल्प पर सुलेखन का प्रारंभ। पूरे विश्व में जब सुलेखन कला प्रचलन में आई तब उसका प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया गया, जैसे चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि। इसी प्रकार वस्त्रकला में भी सुलेखन का आरंभ लगभग 18वीं शताब्दी के अंत से संज्ञान में आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी भगवान
भगवान शिव की नगरी होने के कारण यहाँ के वस्त्रों पर ओम नमः शिवाय दोहे व चौपाइयां तथा हे राम मुन्ने की परंपरागत शैली रही है। बनारसी किम खावों जिसे जिन्हें ब्रोकेट कहा जाता है अंग्रेजी में, तथा बनारसी साड़ियों को भी महंतम कारीगरी एवं सुलेखन से सुशोभित किया गया है। काशी वस्तुशिल्प पर सुलेखन का महत्व। काशी में लगभग 19वीं शताब्दी के आरंभ में सुलेखन कला का सबसे उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि जय श्री देवी दुर्ग नामक वस्त्र है। यह वस्त्र पुजारियों द्वारा ओढ़ने के लिए उत्तरीय के रूप में किया जाता था, जिसका आकार आयताकार होता था। यह वस्त्र धार्मिक उत्सवों एवं पूजा पाठ में धारण किए जाते रहे हैं। इन वस्त्रों के किनारों में किमखाप बुने होते हैं तथा पूरे वस्त्र पर जय श्री देवी दुर्ग लिखा हुआ होता था, जिसे बुनाई तकनीक द्वारा बुना जाता था। यह वस्त्र शास्त्रों पर आधारित वस्त्र है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस वस्त्र की बुनाई आरंभ करने से पूर्व ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तथा हिंदू रीति रिवाज की पूर्णतः क्रिया की जाती थी। जैसे इसे शुभ मुहूर्त में ही बुना जाता था, इन वस्त्रों को दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते थे तथा इसे बड़े महंत अथवा पुजारी ही पूजन की अवधि तक ही धारण कर सकते थे। वे इसे उत्तरीय के रूप में प्रयोग करते थे। उत्तरीय का निर्माण मुक्ता रेशम द्वारा किया जाता था। ये जो खास जय श्री देवी दुर्ग नामक वस्त्र था, ये खास मुक्ता रेशम से ही इसका निर्माण किया जाता था, क्योंकि माना जाता है कि जब रेशम के कीड़े जब अपना ककून बनाते हैं, तो वो जब ककून से निकल जाते हैं, पूरा ककून बनने के बाद जब वो ककून को छोड़ देते हैं, तब उस जो रेशम बचता है उसको मुक्ता रेशम कहते हैं, क्योंकि वो मुक्त रेशम को उस अपने ककून को मुक्त कर देते हैं उसका। इसलिए मुक्ता रेशम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस वजह से ही इन वस्त्रों को मुक्ता रेशम से ही बिना जाता था, क्योंकि बाकी जो रेशम होते हैं जैसे मूंगा रेशम या टसर रेशम या अदर जो रेशम है, उनको जो है कि जब कल्टीवेशन किया जाता है तभी कीड़ों को मार दिया जाता है ताकि वो ककून हमें प्राप्त हो सके, तो वो उतना पवित्र नहीं माना जाता है। बट मुक्ता रेशम ही एक ऐसा रेशम है जो जिसे हम एक पवित्र रेशम मान सकते हैं। पुजारी उत्तरीय को सिर्फ अपने कुल देवता या कुल देवी की आराधना के समय ही प्रयोग कर सकते थे। आम जनता तथा महिलाओं को इस पवित्र वस्त्र को प्रयोग करने से वर्जित किया गया था। उत्तरीय का निर्माण विभिन्न देवी देवताओं के लिए विभिन्न रंगों द्वारा किया जाता था, जिसमें सभी रंगों का एक अपना महत्व व अपना अर्थ होता था। इन वस्त्रों को लाल एवं सुनहरे रंग के रेशमी धागों के ताना बाना पर बुना जाता था, जिस पर चांदी जरी से उत्कृष्ट अलंकरण निर्मित किया जाता था। लाल रंग उत्तरीय की पृष्ठभूमि के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि राजसिक एवं वीरता का प्रतीक है। इसके मध्य में ऊपरी भाग पर बनारस का पारंपरिक अलंकरण बनाया जाता था, जो गले के हार के आकार का होता था। अलंकरणों को उर्दू से बांधा जाता था, जिससे इसमें मजबूती आए एवं धागा भी ना फंसे। पूजा के समय पुजारी जब उत्तरीय ओढ़ते थे तो अलंकरण का वह भाग गर्दन के बीच दोनों कंधों के मध्य पड़ता था। इनकी महीन बारीकियों द्वारा किए गए कार्य के लिए बनारसी वस्त्रशिल्प एवं बनारस के कारीगर विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। काशी वस्त्र वैदिक परंपरा का सजीव उदाहरण है। दिए गए प्रकरण का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य को जब भाषा का ज्ञान हुआ था तो वो लिपि व लेखन सीखे, तो लेखन को आकर्षक बनाने के लिए सुलेखन का प्रयोग किया। सुलेखन कला ना सिर्फ लेखन अपितु ललित कलाओं में अत्यधिक प्रचलित हुई तथा किसी भी कला एवं वस्त्र कला
को सौंदर्यपूर्ण परिभाषा दी गई। आधुनिक युग में संगणक आने से हस्त सुलेखन कला का महत्व कम हुआ है, इसीलिए इसे महत्व देने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। Great, fantastic. You took. Thank you. We'll invite the next participant, please. आकांक्षा, अगर आकांक्षा नहीं है तो अदिति रमन को बुला सकते हैं आगे। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? इट्स अदिति रमन सर। यस सर, सर शैल आई स्टार्ट? या या ऑफ कोर्स प्लीज। या अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय टीचर्स, गेस्ट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर आई एम अदिति रमन, स्टूडेंट ऑफ पीएचडी इन विजुअल आर्ट फैकल्टी इन बीएचयू। And first of all, I want to thank the committee to select my paper for to present in front of all of you. And I will be presenting my small paper, which is about a calligraphy artist named Achyut Pallav, which is one of the well-known Indian calligraphy artists. Achyut Pallav is mostly works in Devanagari script, and he believes that each script has a power to express the express our feelings. And so now I want to present my paper. So with your permission, I want to present my paper. Shall I present my presentation? So there is my presentation title is Experiment and Expression in Calligraphy by Achyut Pallav. So my paper will deals with the work of an Indian artist named Achyut Pallav, who is the best, who is one of the best calligraphy artists in India, and taught by the great calligrapher and type designer R.K. Joshi. His works are not only about the script and it's a style, but it is also about the wide range of possibilities found in this art form, particularly in calligraphy. The paper will talk and elaborate the possibilities and of calligraphy art and experiment done by the artist in many ways. The word calligraphy means to write something in a beautiful way or style. Calligraphy art is done with pen, ink, brush, and many other things. Calligraphy becomes a way to integrate mind, body, and feelings. Calligraphy becomes a way to integrate mind, body, and feelings to enrich creativity and enhance well-being. The exercise of writing gives human mind a kind of peace, and body which relaxes the human being internally. The artist Achyut Pallav also believes that art of calligraphy should be reached to the larger audience because it is one of the best way to express hidden emotions. This paper will be representation of his journey and his works. So here is a short biography about him, about Achyut Pallav, who is born in Mumbai in 1916, and he has completed his diploma in applied art from JJ School of Arts in 1982. His guide and mentor was in calligraphy R.K. Joshi. So it was very natural that Achyut got inspiration and calligraphy skills from his teacher, who was one of the great calligrapher and type designer also. Achyut received the research scholarship from Ulka Advertising in 1984 and continued his art practice. He focused on the Modi script for the scholarship project, which is also a branch of calligraphy. Modi script of calligraphy was used from 50th to 70th century. He was also a faculty member in Sir J.J. School of Applied Arts. He is widely known for his experimental calligraphy works, in which he has used the Devanagari script. So here is the example of Modi script. Modi script is a script which was used in earlier time in Maharashtra, in some part of Maharashtra. So there is another slide of the Modi script. And here is the artist working.
who Achyut first started with pen and paper, but later he experimented with a lot of different surfaces for calligraphy. He uses canvas, keyboard, keyboard cover, slates, ceramics, tiles and wooden surface for his works. His most impressive thing is that when he works, he does his works very smoothly, effortlessly, even when the paper is huge or it is a scroll paper. So I will add some more slides of his works. And this is canvas, acrylic on canvas. So he is also the founder of Achyut Pallav School of Calligraphy, which is in Navi Mumbai, and there are various courses in calligraphy. Achyut is known to spread this art through his works and teachings. He is focused to keep this old legacy alive through the basic courses in his institutions. In his institution, his works are visually attractive and communicative with the viewer in both ways, in visual language and also with the text. One of his series work based on Panchatattva is given below. I will show it, and I liked that work very much, so that's why I added that series in my presentation. So this is sky, acrylic on canvas. And the text is written Akash, Akash. And this is fire. And the text is Agni. This is wind. And this one is water. And this is land, Jameen. So in this series, we see the expression through words, and not only through the words, but the use of color is also specific to express his specific idea. The text and its color tells the whole story, which is very interesting. Achyut has participated in many national and international exhibitions and got many awards. He has won many awards, including the Maharashtra Art Award in 1992, Maharashtra Film Award in 2003 and 6 and 12. He is also awarded Communication Guild Award in 1993 and 94 and 1998. He got Kalaratna from D.D. Sayadri Puruskar and many others. And currently the artist lives and works in Mumbai. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Aditi. Akanksha, please present your presentation. Good evening, sir. Good evening. आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम. मेरा नाम आकांक्षा विश्वकर्मा है. मैं सोच छात्रा हूँ फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट BHU वाराणसी के. सर, मेरा टॉपिक है खजुराहो के शिल्प परिचय में अभिलेखों की व्याख्या एवं यात्रा विवरण. खजुराहो से बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि खजुराहो को किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ के शासक कौन कौन से थे, किन शासकों के काल में मंदिर का निर्माण हुआ है, और किस तरीके से इसको कौन से सन में बनाया गया है, किस तरीके से इसे निर्मित किया गया है, कौन कौन सी आकृतियों का वर्णन है इसमें, और किस क्या सोच के इन आकृतियों का निर्माण किया गया है. तो इसमें यह है कि धंग के शासन काल में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जिसमें खजुराहो को खजुरवाहक कहा गया है. तो इसमें यह है कि इन्होंने खजुरवाहक के अलावा बहुत सारी चीजों इनका उपनाम दिया है, और इस खजुरवाहक कहने का इनका एक मूल उद्देश्य ये था, जैसे वहाँ पे ये था कि नगर के द्वार पे दोनों तरफ खजूर के पेड़ हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये लोग उसे खजुराहो बोलते थे. अभी इसके नाम में बहुत सारे मतलब इसको बहुत तरीके से बोला जा सकता है, बट खजुरवाहक है, खजुराहो है, और ये धंग के अभिलेखों में अन्य बहुत सारे नामों से जाना जाता है. इब्न बतूता इसे करजरा नाम से जानते हैं. करजरा का इन्होंने उल्लेख जब किया है, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि इस स्थान पर लगभग 1 मील लंबा एक विशाल सरोवर है, जिसके निकट मंदिर है और इनमें मूर्तियां हैं. इन मूर्तियों को इस समय वर्तमान में तो खंडित कर दिया गया है मुसलमानों के द्वारा, बट इस सरोवर के मध्य में लाल पत्थर के 3 गुंबद हैं, जो त्रिखंड आकार में हैं.
सरोवर के चारों कोनों पर बने हुए गुंबदों में जोगी रहते हैं जिनकी जटाएं और उनके शरीर पीले पड़ गए हुए हैं। महोबा अभिलेख से यहाँ के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है और ये भी बोला जाता है कि जब खजुराहो का यह था तो इसके पहले इसे जजाग भुक्ति बोला जाता था या जिज होती और जज होती और जहा होती इसी जजाग भुक्ति या जजाग भुक्ति के विकृत रूप हैं। खजुराहो के सबसे पहले शासक जो हैं वो नन्नुक को कहा जाता है और नन्नुक के बारे में जब हम जानते हैं तो ये बहुत सारे अभिलेखों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसे इसके दो तीन नाम भी ऐसे उपनाम के रूप में जाना जाता है जिसमें विरुद्ध हैं, चंद्रवर्मा हैं और इसे नृपति और महिपति एक वो श्रेणी हुआ करता था इनका जिसे ऊंचे स्थान पे इन्हें नहीं रखते थे, नृपति और महिपति के समान ही इन्हें रखा जाता था। एक महोबा अभिलेख से प्राप्त जो जयसिंह के काल में था बना हुआ था उन्होंने इसे अपने नाम से जोड़ा था, जजाग भुक्ति अपने नाम पे रखा था। जिस तरीके से पृथु ने पृथ्वी का नाम रखा था उस तरीके से जैसे कोई भी अगर कोई काम करता है या कोई मंदिर बनाता है तो कभी कभी शासक रहते हैं कि अपने नाम पे ही उन मंदिरों का निर्माण करते हैं और उसका नाम रखते हैं, सेम उसी तरीके से जयसिंह जी ने जजाग भुक्ति अपने ही नाम पे रखा था। राजा हर्ष के शासनकाल में भी बहुत सारे अभिलेख मिले थे और ये जो अभिलेख था ये वामन मंदिर के समीप एक उसको मलबा बोल सकते हैं मलबे में प्राप्त हुआ था और इसके ये इस समय मतलब इस भूतपूर्व राजा जो थे वहाँ के प्रताप सिंह जो थे उनके मकबरे में रख दिया गया है। इसमें 13 अपूर्ण पक्तियाँ हैं मतलब जिसको पूरा नहीं किया जा सका था, उसमें उसकी ऊंचाई जो थी 16 इंच था और ये जो लिपि जो है वो नागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये जो यशोवर्मन से प्राप्त यशोवर्मन के काल में जो अभिलेख प्राप्त हुए थे 1011 ईस्वी में उससे काफ़ी मिलता जुलता है और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत था और अभिलेख जो है पद्य में है। इसका अभिलेख का जब स्टार्टिंग होता है तो इससे ब्रह्मा की सृष्टि और चंदेल राजवंश के उत्कर्ष कैसे उसका उद्भव हुआ था उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है और छठे पंक्ति में इस वंश के जजाक और विजाक शासकों का उल्लेख किया गया है। खजुराहो यशोवर्मन का खजुराहो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख, यशोवर्मन के काल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था जो इस समय जब ये अभिलेख प्राप्त हुआ था तो ये भी सेम वैसे ही जैसे हर्ष के काल में मलबे में पड़ा हुआ था वैसे भी इसे भी मलबे से ही प्राप्त किया गया था। ये अभी एक इस मंदिर के द्वार के किनारे लगा हुआ है। इसके संपूर्ण ऊंचाई जो है जो लेक का संपूर्ण चौड़ाई जो था वो 5 फीट था और 2 फीट और 5 इंच इसका ऊंचाई है। ये शिला फलक पे उत्कीर्ण किया हुआ है। इसमें 28 पंक्तियां हैं जिसमें से 16 22 27 जो लिखित है वो अभी अच्छे स्थिति में नहीं पाए गए हैं। इसका जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से काफ़ी मिलता जुलता है। धन से प्राप्त किए हुए खजुराहो विश्वनाथ मंदिर अभिलेख, इसमें जो अभिलेख जो था वो 1838 ईस्वी में कप्तान टी एस बर्ड को मिला था और ये एक सेम एज चीज मलबे से मिला था और ये अभी द्वार मंडप की दाहिनी भित्ति में लगाया गया है। इसमें 34 पक्तियां थी। लेख का शिला फलक 5 फीट 2 इंच चौड़ा 2 फीट 10 इंच ऊंचा है और इसमें अक्षरों की ऊंचाई नापी गई है कुछ ऐसे ही, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है। सही से उत्कीर्ण होने के कारण ध को व, त न और ल, च और र को ऐसे ही एक समान प्रतीत अगर हम उसको पढ़ते हैं तो ये सारे एक समान जैसे ही दिखते हैं तो कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में। जैन अभिलेख, इन अभिलेखों में जैन धर्म और कला को समर्थन देने वाले श्रेणियों जैन आचार्यों मुनियों तथा शिल्पियों के नामों का उल्लेख किया गया है। इन लेखों में महाराज गुरु एवं साधुओं के नाम भी उल्लेख में मिलते हैं। इन लेखों में पाहिल प
पाड़ीधर तथा उनके पुत्रों और पुत्रियों की पत्नियों का उल्लेख मिलता है जो जैन धर्मावलंबी श्रेष्ठी परिवार के संगठन तथा जैन मंदिर और मूर्ति निर्माण में उनके योगदान को स्पष्ट करते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर के अभिलेख में वर्णित है कि इस मंदिर के निर्माणकर्ता पाहिल को धंगराज द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस बात का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेख में ऋषभनाथ जो थे उनको जिन नाथ से संबोधित किया गया है। इन लेखों में वहाँ पे जो वहाँ के जो शिल्पी थे उनके नामों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें से रामदेव, पूजू कुमार सिंह, माहुल, गोलल, देव शर्मा, जय सिंह तथा पोषण आदि के नाम प्रमुख हैं। ये पार्श्वनाथ मंदिर से मिले हुए अभिलेख हैं, जिसमें आप उसमें देख सकते हैं, इसमें ये 1011 में ईस्वी में मिले हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये 1011 संवत में बनाया हुआ है। इसमें सेकेंड लाइन में महाराज गुरु वासव चंद के नाम का उल्लेख मिलता है और इसको पाहिल ने पार्श्वनाथ मंदिर के पूजन तथा व्यवस्था के लिए 7 वाटिकाओं का दान किया था, उनके भी नाम मेंशन किए गए हैं। इसमें मंदिर के निर्माणकर्ता पाहिल को धंगराज द्वारा सम्मानित किए जाने का उल्लेख मिलता है। इस लेख में ऋषभनाथ को जिन्नाथ कहा गया है। अक्षरों का आकार 1/2 इंच है। भाषा संस्कृत है। इसमें ये लेख पढ़ने के बाद ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ये पद्य में है कि गद्य में है, इस चीज का भी वो कंफ्यूजन रहता है। ऐसे ही लेख हमें लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर में भी मिलते हैं। ये अभिलेख काफी बड़े हैं क्योंकि इसमें धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक सहिष्णुता, दैनिक जीवन, राजा की पराक्रम, राजा के दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। समाज की संरचना की जानकारी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त हो जाती है। धर्म पर आस्था, विश्वास और उस काल की आस्था को दर्शाती है। थैंक यू आकांक्षा। नाउ आई एम कॉल आशिता गुप्ता। गुड आफ्टरनून आशिता, काइंडली प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन। आई एम आशिता गुप्ता, पीएचडी स्कॉलर ऑफ painting department from faculty of visual arts. I am going to present my research paper on the topic, that is role of calligraphy in Zarina Hashmi's work. In this research paper I explored the role of calligraphy in Zarina Hashmi's work, how in her art calligraphy is used. As calligraphy is the art of forming beautiful symbols by hand and arranging them well, artist Zarina Hashmi used calligraphy in forms of letters as well as in form of symbol. She used calligraphy in her artwork in different mode with her experience of life that shaped Zarina's unique aesthetic. Now, when we hear the word calligraphy, the first image come in our mind is the art of beautiful handwriting. The handwriting through which we can communicate, through which we can keep our memories with us in forms of handwriting. Through calligraphy, we find a thought process of a person, the way by which one can know so many things about anyone. It reveals the emotions, character, personality, and behavior. The character and personality comes from their thoughts. If we have positive thoughts, we have positive words. The words narrate their emotions. Writing is the way through which the things we never want to say to anyone, we can write those things to express ourselves. Art and calligraphy, both are similar, both express with creation, one with writing, the other one is with image. They both share the same medium like paper, ink, pen, and color to express their idea image. Now, let us discuss about the role of calligraphy in artist Zarina Hashmi's work. She says, "My work is about writing." Firstly, we start from her introduction. As Zarina Hashmi born in 16 July 1937 to 25 April 2020,
She was an Indian-American artist and printmaker based in New York City. She was raised and born in Aligarh in British India and earned a degree in mathematics before studying printmaking in Thailand, Paris, and Tokyo. As she left her home in Aligarh, India during partition, that memories would continue to haunt her throughout her life. Art is a way to explore the meaning of home in her works. Work on the ideas of journey, migration, displacement, and mobility, which are woven through her oeuvre. As she was very much affected by her identity as a Muslim-born woman and used lots of geometrical patterns commonly found in Islamic architecture. ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं या तो वो मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर से उनकी पढ़ाई थी या तो इसलिए भी क्योंकि वो इस्लामिक रिलीजन से थी और वहाँ पे क्रिएशन ऑफ पोर्ट्रेट इमेज जो था प्रोहिबिटेड था तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म को अपने वर्क में यूज़ करती थी. अब रीज़न बिहाइंड टू यूज़ कैलीग्राफी इन हर आर्ट. इन हर आर्ट ज़रीना यूज अरेबिक एंड इंग्लिश कैलीग्राफी बोथ. As calligraphy gives a sense of home, which came from her association with Islamic religion. As she had an identity crisis, that's why through Urdu calligraphy, she wanted to keep her identity alive. This calligraphy is a reminder of the nostalgic memory of her childhood life. इनके काम में जो है लैंग्वेज एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जिसके थ्रू ये अपने मेमोरी अपने घर के उन यादों को दिखाती हैं जो कि इनसे पार्टीशन के दौरान छूट गया था. और देन सी आल्सो यूजेस इंग्लिश कैलीग्राफी इन हर वर्क एज सी ट्रेवल्स सो मच फॉर हर होम एंड सी सेज आई अंडरस्टूड फ्रॉम अर्ली एज दैट होम इज नॉट नेसेसरली अ परमानेंट प्लेस. It is an idea we carry with us wherever we go. We are our homes. As after partition, she moves to many places before settling in New York, that is Paris, Bangkok, Delhi, Bonn, Tokyo, Los Angeles, and Santa Cruz, which are the reason behind to use English calligraphy. Using English calligraphy, it can be assumed that she had shown her connection to the other places. As she says, wherever we go, we are our homes. Now we can discuss some of her work in which she used calligraphy. She used calligraphy directly and some she used to create her design of calligraphy. In this work, this is letters from home. She used calligraphy in many ways, and in her work, Letters from Home 2004, it is a woodblock and metal cut prints on paper in which she direct use letters of her sister's Rani. Letters are overlays with geometrical patterns and maps of cities. These letters resonate about personal moment of her family, like the death of parents, the selling of Rani's home, the sadness of children moving away. These all convey the loss and dispossession of home due to political partition. इस वर्क में इन्होंने अपने बहन के लेटर्स को डायरेक्टली यूज किया है जो कि उनके जो कि उन्हें इंफॉर्मेशन देती रही अपने घर की कि उनके फादर की डेथ हुई या उनका घर बेचा जा रहा है. तो इन सारे लॉस को उन्होंने इस काम में दिखाया है. नाउ इन हर नेक्स्ट वर्क होम इज अ फॉरेन प्लेस 1999 पोर्टफोलियो ऑफ 36 वुडकट्स सी पिक्स सम मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक एक्सिस डिस्टेंस road and wall. She sent this list of words to Pakistani calligrapher who convert words to into Nastaliq script of the native Urdu language. And Zarina Hashmi's converted these words into her idea image and use in her work.
Now in this work, this is the house at Aligarh in 1990. It is a portfolio of 7 I Ching in which she used English calligraphy. The text were like, Aslam tells a story, Ami waits for the motia, that is Arabian jasmine blossom. Saida brings her children. Rani asked me to sing a song. Abba comes in to look at us. At night, I go to the house at Aligarh. At night, we all come to the house at Aligarh. ये सारे टेक्स्ट है जिसको इन्होंने इमेज के साथ यूज किया है अपने मेमोरीज को दिखाने के लिए. दिस वर्क इज अ पोएटिक रिमाइंडर ऑफ द नॉस्टैल्जिया दैट हाउ द आर्टिस्ट फेल्ट फॉर हर होम हर चाइल्डहुड. एज इन दिस मैनर आर्टिस्ट जरीना हाशमी यूज कैलीग्राफी टू रेजोनेट हर आइडिया ऑफ आर्ट वर्क. थैंक यू. Thank you to all participants who participated on this session. It was a nice presentation. It was nice to hear each and every one. Thank you very much, Rajiv sir, Mahesh sir, for chairing this session. And it was a practical-based session and has some dimensions, including textile, applied arts, as well as painting. So quite interesting session.